नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी ने काशी को बड़ी सौगात दी है। काशी को 1500 करोड़ की योजनाओं की सौगात के साथ ही पीएम मोदी ने बहुचर्चित रुद्राक्ष कन्वेक्शन सेंटर का उद्घाटन भी कर दिया है। पीएम मोदी ने मंच से योगी सरकार की जमकर तारीफ की, साथ ही कहीं ना कहीं विपक्ष पर निशाना साधा। 2022 के चुनाव की रणभेरी तो बज ही चुकी है और पीएम मोदी के काशी को सौगात के साथ ही बीजेपी ने यह भी अन्य दलों को जता दिया है कि उनके पास पीएम मोदी के रूप में वो चेहरा है जो बीजेपी को हर साल और हर हाल में मजबूती देगा। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। आज एक बार फिर से काशी नगरी मोदीमय हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हैं। कोरोना काल में करीब 8 महीने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी का वाराणसी दौरा हो रहा है। अपने इस दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी को करीब 1500 करोड़ से अधिक की योजनाओं की सौगात दी है, जिसमें बहुचर्चित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की शुरुआत भी की। ये कन्वेंशन सेंटर जापान की सहायता से तैयार किया गया है, जिसमें सभी आधुनिक सुविधाएं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने BHU का दौरा भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में 100 बेड्स के चाइल्ड हेल्थ विंग की शुरुआत की। यहां पर पीएम ने निरीक्षण भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर कहा कि बनारस का मिजाज ऐसा है कि जब कभी ये शहर मिलता है तो भरपूर रस एक साथ देता है। पीएम मोदी ने कहा कि महादेव के आशीर्वाद से काशी वासियों ने विकास की गंगा बहा दी। कोरोना काल में जब दुनिया ठहर गई थी तब काशी अनुशासित हुई थी, लेकिन विकास की धारा यहाँ पर अविरल बहती रही थी। पीएम मोदी ने कहा कि जापान के लोगों को विशेष धन्यवाद जो भारत के परम मित्र हैं। पीएम मोदी का काशी दौरा यूपी की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 2022 में विधानसभा के चुनाव हैं और ठीक पहले पीएम मोदी की काशी को सौगात और आतंक से लेकर कानून व्यवस्था तक के मुद्दे पर योगी सरकार की जमकर तारीफ करना विपक्ष की बनती किस्मत को बिगाड़ने के लिए काफी है। पीएम मोदी का काशी दौरा इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि यूपी में बीजेपी की कमजोर होती नींव को खाद पानी देने का काम ये दौरा करेगा। पीएम मोदी का काशी दौरा एक तीर से दो निशाने लगाने वाला है। एक तो यूपी में बीजेपी को मजबूती, दूसरा विपक्ष की सारी तैयारियों को धराशायी करना। लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी भी चाहे केंद्र का चुनाव हो या राज्य का, पीएम नरेंद्र मोदी ही वो चेहरा है जो बीजेपी के लिए हर बार संजीवनी की तरह काम आ रहा है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो आज देश के प्रधानमंत्री और काशी के संसदीय क्षेत्र से सांसद कहे जाने वाले पीएम मोदी आज काशी पहुंचे थे, जहां उन्होंने 1500 करोड़ की सौगात दी है, साथ ही बहुचर्चित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन भी किया। वहीं साफ तौर पर देखा गया कि उनके साथ मंच पर मौजूद सीएम योगी आदित्यनाथ की भी पीएम मोदी ने जमकर तारीफ की। उन्होंने पीएम मोदी के विकास कार्यों, आतंक पर जिस तरीके से नियंत्रण लगाया गया हो, वहीं विकास, कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर पीएम मोदी ने जमकर सीएम योगी की तारीफ की है। साथ ही कोरोना में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के हालातों पर सीएम योगी ने काबू पाया, उसकी भी पीएम मोदी ने जमकर तारीफ की है। तो कहीं ना कहीं आज पीएम मोदी का काशी पहुंचना 2022 के चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, और जिस तरीके से आज उनका दौरा देखने को मिला है, वो आज कहीं ना कहीं राजनीतिक मोड़ भी ले चुका है, और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आज हमारे साथ मौजूद है आकाश मिश्रा आम आदमी पार्टी से, साथ ही हमारे साथ शबनम पांडे बीजेपी से जुड़ चुकी है, वहीं दिलीप यशवर्धन राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही संजीव श्रीवास्तव बनारस से
हमारे साथ में संजय श्रीवास्तव, माफ कीजिएगा, वरिष्ठ पत्रकार बनारस से जुड़ चुके हैं। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो सबसे पहले मैं आप सबसे चर्चा शुरू करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे एक कॉमन कमेंट जानना चाहूंगी। जिस तरीके से आज पीएम नरेंद्र मोदी काशी पहुंचे, उन्होंने 1500 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी, बहुचर्चित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया, 2022 में जिस तरीके से चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में आज जिस तरीके से पीएम मोदी की बैटिंग देखने को मिली, क्या तो क्या लगता है 2022 में एक सेकंड इनिंग योगी आदित्यनाथ की देखने को मिलेगी? आप सभी से जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले शबनम पांडे जी बताइए। देखिए, निश्चित तौर पे अनुष्का, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री काल में काम हुआ है और जिस तरीके से वाराणसी में विकास हुआ है माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, वो निश्चित तौर पे अकल्पनीय है। वाराणसी एक पौराणिक संस्कृति से जुड़ा हुआ शहर रहा है और उस शहर में जो संस्कृति है वो आध्यात्म से भरपूर है, लेकिन उसमें विकास किस तरीके से किया जाता है, ये मुझे लगता है लंबे समय से जो सरकारें उत्तर प्रदेश और केंद्र में रही उनके कभी विजन में ही ये नहीं आया होगा कि इस तरीके से विकास वाराणसी का किया जा सकता है। आप वाराणसी एंटर करिए, अगर आप 7 साल पहले वाराणसी गए होंगे तो निश्चित तौर पे आपको लगेगा आप गलती से किसी और शहर में आ गए हैं। उन गलियों को जिस तरीके से सुसज्जित किया गया है, जिस तरीके से तार के जालों को खत्म किया गया है, जिस तरीके से सीवर सिस्टम को दुरुस्त किया गया है और जिस तरीके से विकास की गंगा इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाकर किया गया है, ये अकल्पनीय है। और मैं सचमुच बताती हूँ कि अगर बाबा विश्वनाथ के मंदिर चले जाइए तो मुझे लगता है कि 7 साल पहले जो गया होगा उसको निश्चित तौर पर वाराणसी में जो प्रगति और विकास दिखा होगा, चाहे वो विकास इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, या वाराणसी की कनेक्टिविटी प्रदेश और देश के विभिन्न जगहों से हो, सब चीज में वाराणसी आज अव्वल है। एक देखा जाए तो पौराणिक इससे देखा जाए तो जो वाराणसी था और एक विकास की गंगा में डूबा वाराणसी, दोनों का सामंजस्य आपको वहां देखने को मिलेगा। और अगर इस बात को कोई झुठलाता है तो निश्चित तौर पे कहा जाएगा कि सच्चाई देखकर भी मुंह मोड़ने जैसी बातें होंगी। तो ये 2022 क्या 2024 में भी इस बात को लोग समझ सकेंगे कि जिस क्षेत्र से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहे, शायद ही कोई प्रधानमंत्री ऐसे रहे होंगे जिन्होंने इस तरीके का विकास वहां की जनता को सुविधाओं देने के लिए कहा जाए। साथ में वाराणसी के उनके द्वारा लिए गए गोद जो गांव है वहां की भी मैं चर्चा जरूर कर दूंगी। वो एक ऐसा गांव है जहां पोस्ट ऑफिस, बैंक, बस स्टैंड, पानी की सुविधा, गैस कनेक्शन की सुविधा, बिजली की सुविधा, तमाम सुविधाओं से परिपूर्ण है। तो एक प्रधानमंत्री ने जिस तरीके की का मार्गदर्शन और जिस तरीके का उदाहरण पेश किया है, ये निश्चित तौर पर अगर हर प्रधानमंत्री ने भी किया होता तो कम से कम इस तरह का विकास हुए वे कितने गांव और कितने शहर दिखते हमें। जी जी शबनम जी, विकास के मुद्दों पर हम आपसे आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमने आपका पक्ष जाना, अब मैं विपक्ष से भी उनकी राय जानना चाहती हूँ। तो हमारे साथ आकाश मिश्रा आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए। तो आकाश जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जिस तरीके से आज पीएम मोदी काशी पहुंचे, कहने को उनका संसदीय क्षेत्र है तो उनका दौरा लाजमी था, 8 महीने बाद वो अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचते हैं, विकास कार्यों का आज वो शिलान्यास और लोकार्पण करते हैं, तो ऐसे में इसे राजनीतिक मोड़ आप लोग क्यों दे रहे हैं? नहीं नहीं, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि काशी आज ही नहीं, काशी विश्व की पुरातन नगरियों में से है और कभी भी काशी, पहले भी जो लोग काशी जाते थे वहाँ अंदर जाने के बाद महादेव की खुद साक्षात अनुभूति होती है। तो काशी का तो माहौल शुरू से ही अलग है और इसीलिए पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में काशी मशहूर है। पहले तो मैं इस बात पे आ जाऊँ, फिर मैं दूसरी बात पर आता हूँ। राजनीतिक बात नहीं है, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को अपना नाम बदल के भारतीय जुमला पार्टी रख देना चाहिए। आपको याद होगा जब ट्रंप गुजरात गए थे तो किस तरीके से दोनों तरफ रास्ते की दीवार उठाई गई थी, वो इसलिए कि झुग्गी झोपड़ी ना दिखे, देश की गरीबी ना दिखे, देश की लाचारी ना दिखे, देश की गंदगी ना दिखे। उसी तरीके से आज जब एयरपोर्ट से हमारे माननीय प्रधान
प्रधान सेवक जी अपने गंतव्य स्थान पर जा रहे थे, तो आप बता दें हम आपको कि एक तिहाई रास्ते पर दोनों तरफ व्हाइट चादरें लगाई गई थी कि कूड़ा घर ना दिखे और जो भी हमारे बनारस की गंदगी है वो सब ना दिखे। तो इस तरीके से अगर प्रधानमंत्री आते हैं, अगर सांसद जी वहां के आते हैं, उनसे छुपाया जाता है, और कुछ जगह जहां गड्ढे थे उनको गड्ढे भरने का भी काम पिछले 3-4 दिन के अंदर ही हुआ है कि माननीय सांसद जी या प्रधानमंत्री जी आएंगे तो उनकी नजर में ये सब ना आए, तो मुझे लगता है ये बहुत ही गलत है। तीसरी बात पे आता हूँ जो मुख्यतः बहुत ही जरूरी है और जनता के लिए बहुत ही भयावह है। भयावह मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने बात करी, योगी जी की तारीफ करी और योगी जी ने उनकी तारीफ करी। उन्होंने कहा कि गुंडा राज खत्म हो गया है, कानून का राज है, महिलाओं के लिए सुरक्षा है, आपको कहीं दूर नहीं जाना है। अभी बहुत जल्दी में किस तरीके से पंचायत इलेक्शन हुए, किस तरीके से ब्लॉक प्रमुख इलेक्शन हुए, पत्रकारों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, उनका कैमरा तोड़ दिया गया, उनके हाथ पैर तोड़ दिए गए। किस तरीके से एक जिले का एसपी असहाय होने के बाद कहता है कि सर बताइए मुझे थप्पड़ मारा और ये बीजेपी वाले बम और ये अधे गुम्मे लेकर आए हैं, और किस तरीके से विधायक उस एसपी को हड़का रहा है। तो मुझे लगता है आज प्रधानमंत्री जी ने सारी गुंडागर्दी पे, सारी अराजकता पे, और जो बिकरू कांड हुआ और जो हाथरस में बेचारी बच्ची को रात में 3 बजे अंत्येष्टि कर दी गई, जला दी गई कि उसका बलात्कार ना साबित हो पाए, इस सब पे आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने मोहर लगा दी है, जो बहुत दुखद है, बहुत भयावह है। जनता को समझ लेना चाहिए, ये हर बार काट की हांडी नहीं चढ़ती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनके पास सिर्फ एक चेहरा है, ये भी इन्होंने दिखा दिया मोदी जी का, लेकिन बार बार काट की हांडी चढ़ाएंगे तो हांडी जाएगी फूट, और हांडी फूट चुकी है, झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। जी, तो इसी के साथ हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजय श्रीवास्तव भी जुड़े हुए। तो संजय जी, जैसे आपने देखा कि आकाश मिश्रा ने गंभीर आरोप लगाए हैं, जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि काशी को सुंदर दिखाया गया है, ना कि वो सुंदर है। आप हमारे साथ इस वक्त बनारस से ही जुड़े हुए, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जिस तरीके से आज का दौरा देखा गया, इसे आप किस रूप में देख पा रहे हो? मैंने सबनम जी को भी सुना और आकाश को भी सुना। जाहिर सी बात है, सबनम जी बीजेपी की है, प्रवक्ता है, तो बीजेपी का पक्ष रखेंगी, पार्टी का और प्रधानमंत्री का और योगी आदित्यनाथ का। आकाश मिश्रा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है, वो निश्चित तौर पर सत्ताधारी दल से ही खिंचाई करेंगे, आलोचना करेंगे, स्वाभाविक है। लेकिन सच्चाई है कि मैं भी बनारस में था, हवाई जहाज से उतरने के बाद मोदी जी जो रास्ते की बात हो रही, मुझे नहीं लगता कि बाबतपुर रास्ते से कोई चादर लगाई गई या उस रास्ते से गए, वहां से वो उड़न खटोले से ही बीएचयू कैंपस गए, और वहां पे बीएचयू कैंपस में जो उनके प्रोग्राम थे, जहां उन्होंने रुद्राज कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया जो 186 करोड़ की लागत से बनाया गया, और ये कहा गया कि यहाँ पे बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस होंगी, बड़े बड़े म्यूजिक कंसर्ट होंगे। मैं समय और उपयोगिता पर एक सवाल उठाता हूँ कि क्या जब दुनिया में और देश में इस समय कोरोना की महामारी चल रही है, तीसरी लहर के लिए मैं नहीं आगाह कर रहा हूँ लोगों को, सरकार खुद आगाह कर रही है कि तीसरी लहर आने वाली है, तमाम जगहों पर उसकी सावधानियां बरती जा रही हैं, 50 आदमी से ज्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, ये आपकी सरकार करती है इसका इंतजाम, और अभी भी सैटरडे और संडे को लॉकडाउन या कोरोना कर्फ्यू जारी है। तो ऐसे में ये 186 करोड़ का जो बनाया गया कन्वेंशन सेंटर, क्या इसकी उपयोगिता थी? अगर ये बन गया है तो आप आगे इसकी उपयोगिता कैसे साबित करेंगे, क्योंकि अभी तीसरी लहर आ रही है, चौथी लहर आएगी, अभी कैसे आप इसकी उपयोगिता साबित करेंगे? अगर इन्हीं पैसों से वाकई बनारस में एक बड़ा सा अस्पताल बना दिया गया होता जो पीजीआई या लखनऊ के मेडिकल कॉलेज की टक्कर का होता, और वहां पे ऐसे बड़े बड़े डॉक्टर उपलब्ध कराए जाते, तो शायद पूर्वांचल से भी जो लोग अभी भी, मैं बता रहा हूँ कि आपको बनारस हो या भदोही हो, चंदौली हो, जौनपुर हो, जितने भी अगल बगल के जिले हैं, बलिया और पूर्वांचल के जो बिहड़ इलाके हैं, वहां से लोग मेडिकल कॉलेज लखनऊ या फिर पीजीआई के लिए रेफर किए जाते हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, वो सुविधाएं जरूरी थी। तो समय और उपयोगिता पर एक सवाल। दूसरी बात, जो आकाश ने कहा कि कानून का राज, पिछले पंचायत चुनाव में जिस तरह से कानून का राज रहा उसे बताने की कोई जरूरत नहीं है। महिला सुरक्षा को लेकर कितने, उस महिला को लेकर बाबा योगी आदित्यनाथ को ही पूरे थाने को सस्पेंड करना पड़ा, तमाम और लोगों पर गाज गिरी, और उसको माना भी गया कि हाँ ये गलत हुआ चुनाव में जिस तरह महिला की साड़ी खींची गई। तो महिलाओं का आप कितना सम्मान करते हैं, कानून का कितना राज स्थापित किया है, विकास के तमाम उन्होंने पुल बांधे, योगी आदित्यनाथ जी की प्रशंसा की और कहा तमाम एक्सप्रेस वे पक गए हैं। मुझे नहीं लगता कि एक भी एक्सप्रेस वे का नाम बीजेपी के लोग बता सकते हैं जिसपे गाड़ियां लोग दौड़ाए जा रहे हैं। बनारस के आसपास के जितने भी जिले हैं उनकी किसी की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हाईवे से नहीं है। मैं खुद आया हूँ बाई रोड,
सुल्तानपुर तक आने में लखनऊ से 2 घंटे लगते हैं और सुल्तानपुर से वही उतनी दूरी बनारस की है मगर 4 घंटे लगते हैं। कम से कम 60 से 65 किलोमीटर का रास्ता अभी बन ही नहीं पाया है। बाबतपुर से बनारस तक इसलिए बना दिया गया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी अगर यहाँ उतरे तो वहां से लेके शहर के किसी कोने में जाए तो कोई दिक्कत ना हो, लेकिन उसी बाबतपुर से अगर पीछे 10 किलोमीटर आ जाइए तो बड़े बड़े खड्डे और सड़कें अभी तक बनी ही नहीं है, हाईवे का काम पूरा नहीं हुआ है। 7 साल हो गए प्रधानमंत्री जी यहीं से हैं और बनारस से जौनपुर जो 60-65 किलोमीटर की दूरी पर है उसकी कनेक्टिविटी हाईवे से अभी तक नहीं हो पाई है। तो क्या इसका कोई जवाब है कि आपने हाईवे बनाने शुरू किए 5 साल में योगी जी की सरकार हो गई, उनकी प्रशंसा कर रहे थे, क्यों नहीं जुड़े? क्यों नहीं अस्पताल इतने उपयोगी हो पाए कि लोग अभी भी लखनऊ से मेडिकल कॉलेज और पीजीआई भाग रहे हैं? इसका कोई सवाल का जवाब है। तीसरी बात जो सारे लोग उठाते हैं कि निश्चित तौर पर चुनावी संक्रांत है, 22 का चुनाव आ रहा है, तो मोदी जी ने आज यहाँ से चुनावी संक्रांत किया है, बड़ी बड़ी बातें की हैं, 1583 करोड़ रुपए की तमाम 283 करोड़ योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है, जिसमें महत्वाकांक्षी योजना ये जो रुद्राक्ष की थी वो भी किया गया है, लेकिन उसकी और समय और उपयुक्तता पर मैंने सवाल उठाए हैं। जी संजय जी, जैसे आपने कई मुद्दे इस वक्त उठाए हैं, उन्हीं मुद्दों में मैं आपको भी 2 चीजें बोलना चाहूंगी। जिस तरीके से आपने बोला कि रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का जिस तरीके से उद्घाटन किया है उसकी जगह एक हॉस्पिटल का निर्माण किया जा सकता था, तो शायद आपको पता होना चाहिए कि आज बीएचयू में एक हॉस्पिटल का उद्घाटन भी किया गया है। तो ऐसे में सीधे तौर पर ये कहना कि पैसे के वेस्टेज है तो वो गलत है। चलिए हम इस चीज पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं दिलीप यशवर्धन से पूछना चाहूंगी जो राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप राजनीति को गहरी तरीके से जानते हैं, आप समझ सकते हैं कि ये दौरा एक राजनीतिक था या फिर सीधे तरीके से वो अपने संसदीय क्षेत्र को एक सौगात दे रहे थे? तो मैं आपसे आपकी राय जानना चाहती हूँ कि आप किस तरीके से इस दौरे को देख पा रहे हैं। अनुष्का जी, एक सांसद सत्य है कि राजनीतिक व्यक्ति कुछ भी करेगा तो राजनीतिक रंग फेंक है, चाहे वो सामाजिक नजरिए से करे, चाहे वो देश के नजरिए से करे या किसी भी नजरिए से करे। जो इस देश की अपोजिशन पार्टियां हैं वो उसको राजनीतिक रंग देंगी और ये सभी पार्टियां करती हैं। जब भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन में थी तो वो भी सत्ता के कार्यों को इसी तरीके से राजनीतिक रंग दिया करती थी। आज सत्ता में भारतीय जनता पार्टी बैठी तो जाहिर सी बात है कि वो जो भी करेगी अपोजिशन उसको राजनीति का रंग देगा। मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि इस देश की जो जनता है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस देकर के सरकार का खजाना भरती है और उस सरकार के खजाने के भरने के पीछे होता है कि देश का डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट को आप किस नज़र से देखेंगे? डेवलपमेंट का मतलब ये है कि जब हम किसी पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो हम उस पैसे का प्रॉपर रिटर्न चाहते हैं और जहाँ पर हमको कम रिटर्न मिलता है वहाँ पर हम पैसे को इन्वेस्ट नहीं करते हैं। सेम लाइज विद द गवर्नमेंट। सरकार को भी गवर्नमेंट खजाने में जो हमारे खून पसीने की कमाई का टैक्स जाता है उस टैक्स को पहले ऐसी जगह पर लगाना चाहिए जहाँ पर वाकई में डेवलपमेंट का रिटर्न निकल के आए। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट किसी भी कंट्री के लिए बहुत अच्छा है अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर देखते हैं तो, लेकिन हमको अपने देश की स्थिति के हिसाब से भी डेवलपमेंट देखना पड़ेगा कि क्या वाकई में बनारस को इस बड़े कन्वेंशन सेंटर की ज़रूरत थी या इतने ही पैसे में अगर एक इतनी ही बड़ी इंडस्ट्री लगा दी गई होती तो वहाँ डेवलपमेंट जाता होता या इस रुद्राक्ष सेंटर के बनने से डेवलपमेंट जाता होगा। ये तुलना आप भी कर सकती हैं और कोई भी सामान्य व्यक्ति इस बात को कर सकता है कि आज इस देश में, इस प्रदेश में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा। जो पैसा, जो 1500 करोड़ की योजनाएं घोषित करी गई हैं उस 1500 के करोड़ की योजना में कोई भी इंडस्ट्रियलाइजेशन का डेवलपमेंट मेरी जानकारी में नहीं है और ये मैं हर बजट में ये सवाल खड़ा करता हूँ कि सरकार सोर्सेज ऑफ फंड हमेशा डिक्लेयर करती है लेकिन एप्लीकेशन ऑफ फंड हमेशा डिक्लेयर करती है लेकिन सोर्सेज ऑफ फंड का सिर्फ एक ही रास्ता है कि जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं उन्हीं के ऊपर लोड और बढ़ा दिया जाए। जो बिजली का बिल चल रहा है उस बिजली के बिल का रेट और बढ़ा दिया जाए, गैस और महंगी कर दी जाए, पेट्रोल डीजल और महंगा कर दिया जाए, हर चीज़ और महंगा कर दिया जाए और जब आप चीज़ों को महंगा करेंगे तो उन पर लगने वाला टैक्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो सरकार के खजाने पे फर्क नहीं पड़ता है लेकिन आम जनता की जेब पर इन चीज़ों से बहुत फर्क पड़ता है। तो मेरा ये कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जरूरी है, होना चाहिए, वो तारीफ के काबिल है, लेकिन जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट से ज़्यादा बेस डेवलपमेंट की जरूरत हो और ऐसे डेवलपमेंट की जरूरत हो जो कॉन्सिक्यूटिव हो, जो डेवलपमेंट से डेवलपमेंट की ओर लेके जाए, वो डेवलपमेंट ज्यादा जरूरी है। लेकिन कन्वेंशन सेंटर का डेवलप होना आगे के डेवलपमेंट को बढ़ावा नहीं देता है। और दूसरी बात, अभी कोरोना काल चल रहा है और अभी तीसरी लहर एक्सपेक्टेड है तो जाहिर सी बात है गैदरिंग नहीं होगी, तो आने वाले अगर 1-1.5 साल तक वो कन्वेंशन सेंटर बंद रहा तो उसकी मेंटेनेंस पर कितना पैसा खर्चा होगा, वहाँ कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। और आज प्रधानमंत्री जी भी परसों इस देश की जनता पर बड़े नाराज हुए थे कि जो लोग पर्यटन के लिए जा रहे हैं वो भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं और कोरोना को इनवाइट कर रहे हैं और आज कन्वेंशन सेंटर में देखिए कितनी भीड़ थी।
आप शादी ब्याह में रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि 50 से ज़्यादा लोग ना हो, लेकिन आपकी रैली में कितने ज़्यादा लोग थे। तो ये दो तरह की बातें इस देश के प्रधान सेवक को नहीं करनी चाहिए। आप लॉ मेकर भी हैं, लॉ फॉलोअर भी हैं और लॉ को इस्टेब्लिश करने वाले भी हैं। अगर आप ही लॉ ब्रेकर बन जाएंगे तो आप जनता से कैसे चाहेंगे कि वो लॉ को इन्फोर्सबिलिटी ठीक तरीके से कराए। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और मैं डेवलपमेंट का साथ हमेशा देता हूँ, लेकिन मेरी प्रायोरिटी रहती है कि डेवलपमेंट वो होना चाहिए जो देश के रेवेन्यू को बढ़ाए, जनता की सुविधाओं को बढ़ाए, रोजगार मुहैया कराए और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत सारे लोग उससे बेनिफिट हो। जी, तो जिस तरीके से दिलीप आपने बताया कि जिस तरीके से कन्वेंशन सेंटर को लेकर आपने गंभीर मुद्दा उठाया है, तो शबनम मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप पर सीधे तौर पर सवाल खड़े हो रहे हैं आपकी पार्टी पर कि किस तरीके के विकास कार्य हैं जो सीमित तौर पर किए जा रहे हैं। क्या सच में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की देश को जरूरत थी? वहीं साफ तौर पर बोला जाता है कि काशी को बहुत डेवलप कर दिया गया है, आज 1500 करोड़ की सौगात दे दी गई। जिस तरीके से हमारे आकाश मिश्रा ने सीधे तौर पर बोला कि वहां पर सड़कों के गड्ढे एक दो दिन पहले ही भरे गए हैं, वही प्रधानमंत्री ने भी एक वादा किया था काशी की जनता से जब वो पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था कि क्यूटो बना देंगे, तो क्या काशी क्यूटो बन चुकी है? देखिए अनुष्का जी, अगर आकाश जी बता रहे हैं डेवलपमेंट नहीं हुआ है तो इस ये जनता जानती है कि वो किस तरीके से अपनी पार्टी का विपक्ष में रहने का कितना दुरुपयोग कर रहे हैं। ये जनता अच्छी तरीके से समझ रही होगी, क्योंकि आप वाराणसी जाइए आपको अंतर दिखेगा। दूसरा, कन्वेंशन सेंटर पे अगर बात हुई है कि इसकी क्या उपयोगिता, कन्वेंशन सेंटर कोरोना का संक्रमण काल शुरू होने के पहले इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया था। और किसी भी चीज की उपयोगिता तब पता चलती है जब आप धीरे धीरे समय काल, अगर आज हम कहें ताजमहल की क्या उपयोगिता थी, क्यों ताजमहल उस वक्त बना, पर आज पर्यटन के इससे देखा जाए तो ताजमहल से पूरे विश्व में भारत फेमस है। अगर अन्य जो हमारे 7-8 अजूबे देख लिया जाए जो वर्ल्ड के हैं, उस वक्त जब बनाया गया होगा तो बहुत से ऐसे लोग होंगे सोचते होंगे ये बेफिजूल का है, लेकिन बेफिजूल नहीं। कन्वेंशन सेंटर एक ऐसा स्थान होता है जहां की आप देश विदेश के और तरह तरह के मुद्दे पे, चाहे स्वास्थ्य का मुद्दा हो, किसान का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो, किसान का मुद्दा हो, किसी भी मुद्दे पे आप वहाँ बड़े से बड़े सम्मेलन कर सकते हैं, अपने ज्ञान का आदान प्रदान कर सकते हैं। और चाहे वो संक्रमण काल हो या संक्रमण काल के बाद का समय हो, इस तरीके का जो विकास है वो सतत विकास होता रहता है। कोई भी देश अगर ये सोचे कि केवल हॉस्पिटल की जरूरत है, किसी तरीके के पार्क की जरूरत नहीं है, किसी तरीके के कोई सेंटर की जरूरत नहीं है, तो मुझे लगता है ये एक संकीर्ण विकास होगा। संपूर्ण विकास के लिए निश्चित तौर पे किसी भी देश में सभी तरह की विविधता होनी चाहिए, सभी चीजों की जरूरत होती है। अगर आज संक्रमण काल है तो कल संक्रमण काल जाएगा भी। तो इस पर टिप्पणी, मुझे लगता है कि ये एक अनावश्यक टिप्पणी की गई है कि इसकी क्या जरूरत है। फिर तो आप देख लीजिए, स्मारक बने, साइकिल ट्रैक बने, तमाम चीजें जवाहरलाल नेहरू और गांधी परिवार पे तमाम बिल्डिंग्स बने, तमाम चीजें बनती रही, सब अनावश्यक है, किसी की कोई जरूरत नहीं है, तो क्यों आप इतने सालों तक ये सब बनते रहे और सभी लोग बैठे रहे? पार्टी में डिफरेंस है तभी हमने किसी परिवार विशेष के नाम अनावश्यक चीज नहीं बनाया। हमने कन्वेंशन सेंटर बनाया जो कि देश विदेश के तमाम। शबनम जी, हमने आपकी राय कन्वेंशन सेंटर को लेकर ले ली है। जिस तरीके से उन्होंने अपना पक्ष रख दिया है कि कन्वेंशन सेंटर किस तरीके से उपयोगी है, तो ऐसे में आकाश मिश्रा जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जिस तरीके से सीधे तौर पर कह दिया गया है कि विश्व के अजूबों से इसकी तुलना कर दी गई है, तो क्या आप इस बात से सहमत है कि क्या अजूबों से तुलना करके रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का बनाया जाना एक सही इनका कह सकते हैं योजना थी? अब ये तो जो भी कहते हैं उसकी पैकिंग करके बेचने में ये लोग एक्सपर्ट हैं, ये लोग सेल्समैन हैं बेसिकली। मैं आपको बता दूं, आपको याद होगा कुछ साल पहले बिहार में मोदी जी ने जब भाषण दिया था तो 50,000 करोड़ से शुरू किया था।
कि भाइयों बहनों 50,000 करोड़ ठीक है, ये और बढ़ा दूं 75,000, 1.25 लाख करोड़ तक रुपए तक ये ले गए थे और बिहार को मिला क्या, टंटन गोपाल 1500 करोड़ रुपए, तो उसके अगर हम कंपैरिजन में देखें तो बहुत छोटा अमाउंट है। लेकिन अभी ये चुनाव आने दीजिए, चुनाव के बाद कितना मिलता है कितना लगता है ये समझ में आ जाएगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, मैंने सिर्फ एक रास्ते की बात करी, एयरपोर्ट से लेकर कन्वेंशन सेंटर की। अगर आप पूरी काशी की बात करेंगे तो मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था काशी का माहौल बहुत अच्छा है क्योंकि वो महादेव की नगरी है, वहां जाते ही आपको एक अनुभूति होती है, वो बातें सब अलग हैं। लेकिन जो काशी के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो मैं अभी सर की बात से भी सहमत हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर या जो भी हमारा जो इन्वेस्टमेंट होता है वो हमारी प्रायोरिटी पे होता है। पहले हम ये देखेंगे कि हमारे अस्पतालों की क्या हालत है, कहीं ऐसा ना हो कि आप तो चुनाव में आके कह दो कि मां गंगा ने मुझे बुलाया और 7 साल में गंगा की सफाई नहीं कर पाए, आप तो भगीरथ के छोटे भाई बन जाओगे उसमें। दूसरी बात यह है कि अभी सबने देखा किस तरीके से लाशें गंगा के किनारे तैरती हुई पाई गई हजारों किलोमीटर के दायरे में, राम नामी जो चादर थी वो भी खींचते हुए उनको बुलडोजर से दबा के किसी तरह बराबर किया गया, उसका कोई डिस्कशन नहीं हुआ। तो माँ गंगा अगर सिर्फ इसलिए बुलाती है कि जुमलेबाजी करनी है, देखिए जनता चाहती है कि जो समस्याएं हैं वो उनका सांसद विधायक दूर करे। इन लोगों ने एक एक गाँव गोद में लिया था, आज इन्होंने गाँव की बात करी है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इन लोगों का प्रचार तंत्र इतना मजबूत है कि अगर उस गाँव में कुछ भी हुआ होता तो आज गाँव फोटो मीडिया पे चल रही होती चारों तरफ। लेकिन सच्चाई ये है कि जो गांव गोद में लिए गए उन गांव को बढ़ने ही नहीं दिया, वो आज भी गोद में है और शायद कल भी गोद में रहेंगे, क्योंकि ये भाषण वीर है, ये शासन वीर नहीं है, ये भाषण बहुत अच्छा देते हैं, ये झूठ बहुत अच्छा बोलते हैं और ये जनता को बरगलाने में माहिर है थे। लेकिन अब जनता समझने लगी है, अब आपने देखा किस तरीके से चुनाव में स्त्रियों के साथ चीरहरण हो रहा है, गुंडई हो रही है, गोली और बम जलाए जा रहे हैं, तो आप बार बार वही बात है, काट की हांडी कब तक चढ़ेगी, ये तो जनता भी समझ रही है। अब जनता अपने मुद्दों पे आना चाहती है, कई लोगों की नौकरियां चली गई हैं, कई लोगों की सैलरीज कट डाउन हो गई है, बच्चों के स्कूल की फीस देनी है, बिजली का बिल भरना है, जब दुकानें बंद रही कोरोना काल में उसका भी बिल भरना है, तो आप सोच के देखिए आम आदमी की जरूरत क्या होती है, आम आदमी की जरूरत ये आपके जो कन्वेंशन सेंटर है और सरदार पटेल की मूर्ति जो 3,000 करोड़ से बनाई गई थी जिसमें आज पानी छूने लगा है, ये शायद देश की अभी जरूरत नहीं है, प्रायोरिटी नहीं है इस बात को समझने का। प्रदेश में आकाश मिश्रा, जिस तरीके से आप बिहार और उत्तर प्रदेश को मिलाकर बात कर रहे हैं, दिल्ली की बात नहीं करेंगे। शबनम जी मैं आपके पास आऊंगी। आकाश मिश्रा, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, आपने बिहार की बात करी, आप उत्तर प्रदेश की बात की, ऐसे तो सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि दिल्ली में भी कोरोना के केस बढ़े थे, वहां पर भी लाशों के अंबार लगे थे। आप क्या सिर्फ उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति को ही लेकर चलते हैं? किसने नहीं देखा कि गंगा किनारे लाशें पूरी भरी हुई थी और जिनका राम नामी चादर खींची गई, नंबर वन। नंबर टू, आप बिहार और उत्तर प्रदेश की बात कर रही है, शख्स एक ही था जो बिहार में भाषण दिया, वही उत्तर प्रदेश में भी भाषण दे रहे हैं, इसलिए मैंने कहा ये भाषणवीर है, ये शासनवीर नहीं है। अभी इन्होंने कहा कि मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस और बना दिए 80 के आसपास मंत्री, तो ये मैक्सिमम गवर्नमेंट हो गई और शायद मिनिमम गवर्नेंस है, क्योंकि अगर गवर्नेंस अच्छी होती तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। इनको जाति भी हैंडल करनी है, इनको धर्म भी हैंडल करना है, इनको प्रेशर कुकर बम भी बीच में लाना है जिसमें ब्लॉक प्रमुखी या पंचायत चुनाव का डिस्कशन ना हो, तो ये देखिए ये प्रचार तंत्र है, ये एडवर्टाइजिंग कंपनी है अपने आप। तो आपको पता होना चाहिए कि WHO ने भी योगी सरकार की तारीफ की है, उन्होंने सीधे तौर पर सीएम योगी की, और ऑस्ट्रेलिया ने भी सीएम योगी की तारीफ की है कि जिस तरीके से उन्होंने कोरोना को नियंत्रण में लिया वे बेहद ही सराहनीय था। ऐसे में आप क्या कहेंगे? दोनों बात का जवाब देता हूं। पहली बात तो WHO ने तारीफ नहीं करी है, ये आपको शायद पता नहीं है, इसको आप फैक्ट चेक करवा लीजिएगा, क्योंकि ये आईटी सेल का सुन लीजिए बीजेपी आईटी सेल का फैलाया हुआ र्यूमर है, उसी प्रकार जिस प्रकार टाइम्स मैगजीन पर योगी जी की तारीफ करी गई थी, बाद में पता चला कि ये एडवर्टाइजमेंट था, पैसा दे के ऐड करवाया गया था। अब मैं आपकी दूसरी बात पर आता हूँ, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने तारीफ नहीं करी, अभी आपने कहा कि वहां के प्रधानमंत्री, ऑस्ट्रेलिया के एक सांसद ने तारीफ करी है। मैं पूछना चाहता हूँ ऑस्ट्रेलिया के सांसद से कि वो कोरोना काल में क्या उत्तर प्रदेश आए थे, क्या उन्होंने उत्तर प्रदेश की हालत देखी थी? आकाश मिश्रा, हम भी यही चीज बोल रहे हैं, और जिसको लेकर मोदी जी रोए थे, न्यूयॉर्क टाइम्स ने फोटो छापी थी नीचे घड़ियाल की, ऊपर इंडियन प्राइम मिनिस्टर क्राइस, ये सारी बातें विपक्ष की बात होती है तो आप उसके फेवर में हो जाते हैं, वही तारीफ होती है तो आप सीधे तौर पर मेरी बात को आप साबित करिए ना, मैं क्या कह रहा हूं आपके पास आकाश जी, साबित करिए। आकाश जी मैं आपके पास आऊंगी, पर उससे पहले मैं दिलीप जी के पास जाना चाहूंगी। जिस तरीके से राजनीतिक मोड़ आज के रोटियां सेकने का काम आज बीजेपी कर रही है, जिस तरीके से आज कह सकते हैं सीधे तौर पर मैनिफेस्टो एक स्टेज से जारी कर दिया जाता है जिसमें विकास के कसीदे पढ़े जाते हैं, क्या कहेंगे आप?
अनुष्का जी, राजनीति करना राजनीतिक पार्टियों का धर्म है और राजनीतिक धर्म ये कहता है कि वो अपनी बढ़ाई अपनी चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के जनता के सामने रखें, लेकिन जब जब राजनीतिक धर्म सामाजिक धर्म के ऊपर हो जाता है तो वो गलत हो जाता है। लेकिन ये सामाजिक धर्म के ऊपर है ये बात जनता को समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर किसी राजनीतिक पार्टी का दोष नहीं, मैं जो भी बातें कह रहा हूँ वो किसी एक पार्टी के लिए नहीं, वो इस देश की जितनी भी क्षेत्रीय या राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक पार्टियाँ, मैं सबके लिए बात कह रहा हूँ कि वो जो कर रही हैं वो उनका राजनीतिक धर्म है और कोई भी उस जगह पर होगा वही काम करेगा जो आज सत्ता में बैठे लोग कर रहे हैं और विपक्ष में भी वही लोग करते हैं जो आज विपक्ष में बैठे लोग कर रहे हैं। लेकिन ये जनता को देखना होगा कि सरकार के लोग जो कह रहे हैं वो कितना सच है और जो सत्ता के लोग जो विपक्ष के लोग उसको गलत बता रहे हैं वो कितना सच है, ये असेसमेंट जनता को करना होगा। और जनता हमेशा चुनाव में करती आई है, अभी 2022 में भी कर लेगी, लेकिन सत्य को आँच नहीं होती है। बहुत सारी कमियां हैं इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं डेवलपमेंट के खिलाफ कभी नहीं रहता हूं, अच्छे किए गए काम की मैं तारीफ करता हूं, लेकिन मैं ये कंपैरिजन जरूर करता हूं कि क्या इस काम को अभी होने की ज़रूरत थी। ये जो 186 करोड़ का रुद्राक्ष का कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है, इस कोरोना काल में पिछले 1.5 साल से व्यापारियों की क्या हालत है ये सबको पता है। जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है वो बिल्कुल जीरो पर आ गई है, रेस्टोरेंट्स एकदम खत्म हो गए हैं, उससे जुड़े हुए स्टाफ की सैलरी जीरो हो गई है। अगर यही 186 करोड़ का पैकेज आपने इंडस्ट्रीज को इस समय दे करके इंडस्ट्रीज को यहाँ इनवाइट कर लिया होता, 186 करोड़ का टैक्स हॉलिडे आपने दे दिया होता, तो इस प्रदेश का कितना डेवलपमेंट होता, वो इतना ज्यादा डेवलपमेंट होता जो ये एक कन्वेंशन सेंटर आने वाले 100 सालों में नहीं दे पाएगा। एक आपने खूबसूरत बिल्डिंग बना दी, चाहे वो नेशनल लेवल की हो चाहे वो इंटरनेशनल लेवल की हो, चाहे उसमें जितने बड़े प्रोग्राम्स हो जाएं, लेकिन हमको डेवलपमेंट एज ए होल देखना होता है, ज़रूरत एज ए होल देखना होता है। एक चंद सांस्कृतिक कार्यक्रमों की ज़रूरत हमें नहीं देखनी है। इस देश की, इस प्रदेश की जनता को क्या चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान, ये बेसिक नेसेसिटी होती है और ये देना हर सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी होती है। आप उन संवैधानिक जिम्मेदारियों को छोड़ करके इंटरनेशनल पैरामीटर्स को मैच आउट के लिए बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर दे रहे हैं, उसको आप प्रॉपरली हाईलाइट कराएंगे, आप दिखाएंगे कि अमेरिका में अच्छी बिल्डिंग नहीं है, हमारे बनारस में भी अच्छी बिल्डिंगें हैं, हमारे संसदीय प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में भी अच्छी बिल्डिंगें होनी चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन प्रायोरिटी किस चीज की है, क्या आज बनारस को वाकई में बिल्डिंग की ही जरूरत थी? इसके अलावा जो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, जो मंदिर के आसपास का पूरा ढांचा हटा करके उसको चौड़ा कर दिया गया, गंगा की सफाई कर दी गई, गंगा के किनारे घाट बना दिए गए, ये बनारस की जरूरत थी, ये इस बात से मैं सहमत हूं। लेकिन इसके साथ साथ बनारस के लोगों को रोटी भी चाहिए, उनको दवाई भी चाहिए, उनको साफ पानी भी चाहिए, उनको साफ हवा भी चाहिए, और बनारस के साथ साथ इस प्रदेश को, इस देश को भी यही सारी चीजें चाहिए। तो सरकार की प्रायोरिटी इन बेसिक नीड्स की को पूरा करने पर पहले होनी चाहिए। जी, तो दिलीप यशवर्धन, जिस तरीके से आपने विकास के मुद्दों को उठाया, आपने साफ तौर पर कहा कि क्या विकास जिस तरीके से किया गया है उस तरीके से किया जाना ठीक था, क्या कुछ और विकास कार्य भी किए जा सकते थे। इसी पे हमारे साथ संजय श्रीवास्तव भी जुड़े हुए, वो सीधे इस वक्त बनारस से है। तो संजय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप तो इस वक्त बनारस में है, आप लखनऊ से भी ताल्लुक रखते हैं, तो आप इसको सीधे तरीके से जान पा रहे होंगे कि क्या लखनऊ और जो काशी के बीच की जो सड़क का एक फासला कहा जा रहा है, जो फासला है वो क्या गड्ढा मुक्त है, क्या विकास को आपने अपनी आंखों से देख पाया? देखिए, सीधे तौर पर आपके सवाल का जवाब मैं दे दूं कि लखनऊ से जो बनारस की कनेक्टिविटी है बहुत ही खराब है। सुल्तानपुर 135 किलोमीटर आधा है, वहां तक कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, हाईवे पूरा कंप्लीट है, 2 घंटे में आप आराम से पहुंच, इसीलिए टोल भी देना पड़ता है। लेकिन सुल्तानपुर से जौनपुर और जौनपुर से बाबतपुर तक का रास्ता बहुत ही खराब है, अभी आधा बना है और आधा नहीं बना है, जिस वजह से लोगों को काफी दिक्कतें होती हैं, बाजार के बीच से जाना पड़ता है, ट्रैफिक भी बहुत जाम रहता है। तो इन सब चीजों से अभी भी जौनपुर के शहर के बीच से ये रास्ता रहता है, हाईवे भी कंप्लीट नहीं हो पाया है। मेरा ये कहना है कि इतना टाइम बहुत होता है, 5 साल में कम से कम एक हाईवे बनता है और 60 किलोमीटर तो बनी जाना चाहिए था। सरकार का फोकस होना चाहिए था, मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में लेना चाहिए था, जो भी दिक्कत परेशानी इस सड़क के निर्माण के ठेके में या इंजीनियरों को आ रही, उसको विभाग के साथ मिलकर दूर करना चाहिए था और प्राथमिकता के तौर पर अब तक कम से कम इसे कंप्लीट कर लेना था, जिससे लोग 4 घंटे में लखनऊ से बनारस आते और जाते सुविधाजनक होता। दूसरी बात, मैं दिलीप जी की बातों से बहुत ही इत्तेफाक रखता हूं कि उन्होंने कहा कि जो घाटों का सफाई हुआ, प्रॉपर बनारस शहर में तमाम
सड़क के चौड़ीकरण हुए, फ्लाईओवर्स बनाए गए, साफ सफाई, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, सीसीटीवी, ये सब बड़े अच्छे काम है। और मंदिर के आसपास के जो इलाके हैं उनको साफ सफाई करके सीधे गंगा जी से और काशी विश्वनाथ मंदिर की जो कनेक्टिविटी है उसको किया जा रहा है, वो बनारस के हित में, बनारस के लोगों को उससे रोजगार भी मिलेंगे, उससे तमाम सारी और भी चीजें डेवलप होंगी, इससे मैं भी सहमत और इत्तेफाक रखता हूं और सभी लोग रखते हैं। लेकिन सवाल और उपयोगिता मैंने भी वही उठाई जो सब उठा रहे हैं कि इस कन्वेंशन सेंटर को लेके है कि कन्वेंशन सेंटर सिंजो आबे की दोस्ती निभाने के लिए आपको देश में नहीं काम करना चाहिए, दोस्ती निभाने के लिए और भी बहुत सारे काम है वो किए जाने चाहिए। आप तमाम उपकरण मंगा सकते थे, उनकी दोस्ती का फायदा उठा के आप जापान से कोरोना से निपटने की दवाएं मंगाते, आप कोरोना से निपटने के जो उपकरण आने थे वो मंगाते। बनारस को एक जरूरत, चूंकि पूर्वांचल का मेन शहर है और काशी बहुत पुराना शहर है, सिर्फ बीएचयू या फिर जिला अस्पताल से यहाँ का काम नहीं चलता है, यहाँ के आसपास के जो इलाके हैं, आसपास के जो शहर हैं, वो बहुत ही पिछड़े हैं। गाजीपुर का जिला अस्पताल भी इस दम पर नहीं है कि अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो चार आदमी वहां गंभीर हालत में चोटिल हो जाए तो वो भी लखनऊ के लिए रेफर किए जाते हैं। बनारस भी आते हैं तो बनारस में भी उस तरह का इलाज नहीं है। तो आपको बीएचयू को थोड़ा सा हाइपर, जो उसका हॉस्पिटल है उसकी हॉस्पिटलिटी को हाइपर बनाना चाहिए। 100 बेड बनाने साथ में अस्पताल का लोकार्पण उद्घाटन नहीं हुआ, सिर्फ 100 बेड बढ़ाए गए वहां पे, 50 बेड जिला अस्पताल में आज बढ़ाए गए हैं। बेड बढ़ाने से काम नहीं चलेगा, सुविधाएं बढ़ानी पड़ेगी आपको, वहाँ आईसीयू यूनिट बढ़ाने पड़ेंगे, वेंटिलेटर बेड देने पड़ेंगे, डॉक्टर्स उस तरीके के होने चाहिए, रेडियोलॉजी के तमाम उपकरण होने चाहिए कि वहाँ पे बेहतर सीटी स्कैन हो सके, बेहतर रेडियोलॉजी की सुविधाएं हो सके, डिजिटल एक्सरे हो सके, और उसके एक्सपर्ट डॉक्टर वहाँ अपॉइंट होने चाहिए, टेक्नीशियंस अपॉइंट होने चाहिए जो नहीं है, तो इन पर फोकस करना चाहिए था। वही सवाल है कि अगर उसकी उपयोगिता तब होती जब वो कोरोना काल से बाद का होता और भीड़ भाड़ वाली चोटी, वहाँ म्यूजिक कंसर्ट होने हैं, वहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस होनी है, वहाँ पे तमाम बड़े आयोजन होने हैं, तो वो तो तभी होगा जब देश कोरोना काल से बाहर निकलेगा, तीसरी लहर का डर नहीं होगा। लोग भीड़, आप ही कहते हैं कि भीड़ मत इकट्ठी करिए और आप ही भीड़ इकट्ठी भी करते हैं, तो भाई ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। और जो जरूरत की बात है उस पर बात करिए ना, जरूरत लोगों की, जो दिलीप जी ने कहा कि रोटी कपड़ा मकान है, उनसे जुड़े कितने यहाँ पे, किस किस उद्योग को, साड़ी उद्योग यहाँ का बैठा जा रहा है, यहाँ का कपड़ा उद्योग बैठा जा रहा है, यहाँ के तमाम जो काम थे वो लोगों के पास खाली हो रहे हैं, तो कम से कम उन पर फोकस करना चाहिए था कि बनारस की साड़ी उद्योग को जीवित करने के लिए आपने 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए, एक हब बना दिया, उसके लिए बड़ा काम किया, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। तो सवाल वही का वही है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे भी जो काम कर रहे हैं उससे सीधे सीधे तौर पर जो बनारस के लोग जुड़े हैं उनको उससे कितना लाभ मिल रहा है। इस म्यूजिक कंसर्ट या कॉन्फ्रेंस हॉल के हाई फाई जो हॉल बनाया गया है उसमें कौन लोग जाएंगे, कौन कंसर्ट करेंगे, जो कम से कम 5 लाख 10 लाख रुपए उसकी एक दिन की फीस होगी वो भर पाएंगे, जो वहां पे बड़े आयोजन कराने वाले लोग होंगे वो कर पाएंगे, क्या छोटे लोगों को उससे कोई लाभ मिलेगा? अगर अस्पताल बनता या सुविधाएं बढ़ाई जाती उससे आम आदमी को लाभ मिलता। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हर घर नल योजना, अभी मुझे तभी लगता बनारस में तमाम गांव भी पड़े रास्ते में और मैं गया भी, मुझे किसी दरवाजे पे ना तो नल दिखाई दिया और ना उससे गिरता हुआ जल दिखाई दिया, ना पानी की टंकियां दिखाई दी। अभी भी लोग पानी अपने बूटे पर ले रहे हैं कि चाहे वो अपने समरसेबल पंप लगा रहे हैं, हैंडपंप में बिजली से पंप लगा के चला रहे हैं वो पानी उसी से पी रहे हैं, या शहर की जो सप्लाई पुरानी चल रही पंप हाउसों की उससे पानी पी रहे हैं। हर घर नल योजना का कहीं कोई हमें जमीन पर काम दिखाई नहीं दिया। तो रही बात इसी की कि आपको जो आप खाता खींचते हैं विकास का, जो आप बातें करते हैं उसको जमीन पर भी दिखाना होगा, और शायद इसी तैयारी से आप 2022 के चुनाव में जनता को कुछ कर पाएंगे और जनता से वोट जीतने में कामयाब हो पाएंगे। जी जी संजय सिंह, मैं आपके साथ वापस लौटूंगी। तो आपको सबको बता दूं कि हमारे साथ सपा प्रवक्ता विवेक पांडे इस वक्त जुड़ चुके हैं। तो विवेक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस डिबेट पे। तो सबसे पहले मैं आपसे ही विवेक जी जानना चाहूंगी, जिस तरीके से आज काशी पहुंचे हैं पीएम मोदी, दूसरी तरफ प्रदेश में आज आप लोगों का भी प्रदेश व्यापी प्रदर्शन देखने को मिला है, तो आपसे मैं तो जानना चाहूंगी कि आज आपकी तरफ से भी और बीजेपी की तरफ से भी दो बड़े बड़े कार्यक्रम, क्या कहेंगे आप, किस तरीके से देख रहे हैं इस दौरे को? पहले तो पूरे मंच को सविनय धन्यवाद देते हुए मैं मंगल कामना करता हूं कि आप सभी स्वस्थ रहें और ईश्वर न करे कि कोविड की तीसरी लहर आए और किसी को भी किसी भी प्रकार की हानि उठानी पड़े। देखिए एक बात मैं जानना चाहता हूं कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बाबा काशी विश्वनाथ जी की नगरी में आए, माँ गंगे ने तो नहीं बुलाया था लेकिन राजनीति का गलियारों में हलचल मच चुकी है, तो इसके लिए आना ही पड़ा उनको, क्योंकि वो अपने चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ने वाले थे, लेकिन वो जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार की निष्क्रियता जिस प्रकार से हावी है उनको आना पड़ा। चलिए ठीक, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या वो मदनपुरा, देवनाथ, पूरा रेवड़ी जैसे इलाकों में भी घूमे हैं कि बस एयरपोर्ट से सीधे चले आए कार्यक्रम स्थल पर वहां से चले गए, वरना परेड कोठी की साफ सफाई,
कैंट के आसपास जो पर्दे लग गए, क्या उनको वो सब दृश्य दिखाई दिए कि उस पर भी छवि सुधार के कार्यक्रम ही चल रहे थे? मैं ये चीज वहाँ की आम जनता से पूछना चाहूंगा। एक तो वरिष्ठ पत्रकार महोदय बैठे हैं, मैं दूर को साक्षात प्रणाम करते हुए मैं चाहूंगा कि वो इससे बात करें जरूर, क्योंकि मैं थोड़ा देर से जुड़ा। और इसी क्रम में मुझे उस गांव के बारे में बता दीजिए जरा, जयापुर नागेपुर, जिसपे आप ही के एक पत्रकार, आपको याद ही होगा, जिनके ऊपर आईपीसी की गंभीर धाराओं में 500/269 के तहत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हो गया था, scroll.in की जो संपादक थी। और सबसे विडंबना वाली बात मुझे ये लगता है कि आज ठीक है विकास होने के विकास कार्यों में परियोजनाओं का इस देश से बहुत पुराना लगाव रहा है, ठीक है, योजनाएं कोई गलत नहीं होती, बड़ी नहीं होती, लेकिन समय, किसी भी योजना को लाने का समय बहुत मैटर करता है। आज उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान ट्विटर पे विधिक रूप से अपने डीए को बढ़ाए जाने की लगातार मांग करते रहे सोशल मीडिया के माध्यम से। हमारे प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश आए थे, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के 3-4 लाख के आसपास की फोर्स है, अगर वो आज 2800 रुपए डीए ग्रेड पे जो बढ़ाने की मांग की, अगर उस पे कुछ कह करके जाते या उस पे आश्वासित करके जाते या उसको घोषित करते तो ये एक सफल कार्यक्रम मैं मानता। दूसरी बात, आप क्या बनाने जा रहे हैं? कन्वेंशन सेंटर ही बना रहे हैं ना आप, लखनऊ का JPA 90 खड़ा कर देते, इसे कहते हैं पैसों की बंदरबाट। आप द्वेषपूर्ण भाव से जो राजनीति कर रहे हैं, JPA NIP हर साल 10% लागत मूल्य उसकी बढ़ती जा रही है और ये पैसा आम जनता का है। प्रधानमंत्री जी को घोषणा ही तो करनी है। सबसे बड़ी बात है कि JPA NIP खुद मांग रही है, आपने DRDO के अस्पताल बनवाए कोविड के समय, आपने कोविड सेंटर बनवाए, कोविड के लिए मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनवाए, लेकिन क्या आपको शहर के अंदर खड़ी एक इतनी बड़ी सुसज्जित बिल्डिंग जिसमें हाई लेवल कोविड स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया जा सकता था, जिसमें हेलीपैड तक है इमरजेंसी सेवाओं के लिए, आपने उसको इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि वो समाजवादी पार्टी की परियोजना थी। और ये विपक्ष से मैं हमेशा विपक्ष में होने के कारण कहता हूं कि हमें राजनीतिक परिवेश में बदलाव की आवश्यकता है। दिलीप भैया भी मंच में बैठे हैं, मैं उनकी बातों से काफी हद तक टीकता हूं। आज विकास की बात होनी चाहिए, रोजगार की बात होनी चाहिए, 4.5 लाख रोजगार के ऊपर जो 50% के हिसाब से इन्होंने दूसरे राज्यों में वोटिंग और जिस तरह से अरबों रुपए खर्च करके ये कार्यक्रम चुनावी उसमें पैसे बहा रहे हैं, अगर ये उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार देते, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता दूं, पौने 2 लाख रोजगार ऐसे हैं, मैं आंकड़े और आपको अभ्यर्थियों के नाम दे देता हूं, आप बात कर लीजिए उनको लाइव एकदम जोड़ करके। उन बच्चों को नौकरी नहीं मिली लेकिन मोदी योगी जी ने उनको अपने रोजगार के आंकड़ों में जोड़ लिया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जमीनी हकीकत गड्ढा युक्त प्रदेश, गड्ढा मुक्त तो नहीं कर पाए गड्ढा युक्त प्रदेश, और उसकी जिम्मेदारी भी डाले पाए। ऊपर से बड़ा दुख होता है जब हमारे देश के प्रधानमंत्री, वो पक्ष के भी है विपक्ष के भी है, आकर के एक जिम्मेदार संवैधानिक पद पे एक मंच से कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बहुत बढ़िया हुआ। अगर उत्तर प्रदेश में चीर हरण जैसी सार्वजनिक घटनाएं बहुत बढ़िया श्रेणी में आती है तो मुझे लगता है कि ये देश 1861 के पहले की जो गुलामी होती थी, जो अंग्रेजों का गुलाम कानून चलता था, उसकी भेंट करने जा रहा है। आप तो तैयार रहिएगा कि आपके हाथों में कब जंजीरें जकड़ ली जाए। जी तो जी विवेक जी, मैं आपके विवेक जी मैं आपको रोकना चाहूंगी, तो अब मैं शबनम जी से सीधे मैं बात खत्म कर रहा हूं, दो सेकंड जी। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि आज इन्होंने अगर उस गलत कृत्य पे माफी मांग ली होती या उत्तर प्रदेश की जनता के सामने दो शब्द कह दिए होते तो हम मान जाते कि ये वाकई में उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री हैं। जी जी, बहुत आरोप आपने लगा लिए, अब सत्ता पक्ष से उसका जवाब भी देख लेते हैं। तो शबनम जी, सीधे तौर पर आप पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, आपकी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, तो ऐसे में आपसे जानना चाहती हूँ कि जिस तरीके से आज आरोप लगाया गया कि CM अब अपने चेहरे पर खुद चुनाव नहीं लड़ सकते इसलिए उन्होंने PM मोदी का सहारा लिया है, आज PM मोदी आते हैं स्टेज से, CM योगी के कार्यों के बखान करते हैं, उनके तारीफों के पुल बांधते हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ ही दिन पहले ब्लॉक प्रमुख के चुनाव बीते हैं जहां की जो तस्वीरें थी वो कानून व्यवस्था के अच्छी तस्वीरें तो देखने को नहीं मिल रही थी। वहीं दूसरी तौर पर जिस तरीके से गंगा के अविरल होने की बात कही गई है तो उसी अविरल गंगा में लाखों के, मतलब कह सकते हैं हजारों की तादाद में शवों को बहता हुआ देखा गया है, तो किस प्रकार से ये विकास के दावे और किस तरीके से ये दावे पेश किए जा रहे हैं? जी शबनम। अनुष्का, मैंने विवेक जी की आवाज तो नहीं सुनी लेकिन मैं इतना जरूर जो आपने कहा उसके अनुसार बताना चाहती हूँ। एक कहावत है, अंगूर खट्टे होते हैं। जिन विपक्षी पार्टियों के पास न नैतिकता है, न नीति है, न नेता है, न विचार है,
वो निश्चित तौर पे जिस पार्टी के पास ये सब चीज से परिपूर्ण है जो पार्टी, उस पर ऐसी बात जरूर कहेंगे कि मोदी जी आते हैं तो उनको लगता है कि मोदी जी क्यों आ गए, क्योंकि इनकी पब्लिसिटी बहुत हो जाएगी और इतने लोकप्रिय नेता आ जाते हैं तो निश्चित तौर पे विपक्षों को पसीना आने लगता है। तो इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। लेकिन जहां तक बार बार कन्वेंशन सेंटर को लेके होता है तो देखिए, मल्टी लेवल पार्किंग भी का भी उद्घाटन करते हैं, पर्यटन को बढ़ाने के लिए रो जहाज, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर की होती है की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी, और जितनी भी चीजें विकास के लिए वहां किया गया वो परोक्ष प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार सवाल कर चुके हैं। 2017 तक 17% बेरोजगारी, जवाब सही है गलत, तो आप एक बार शबनम जी आप अपनी बात को पूरा कीजिए। देखिए अनुष्का जी, सभी लोग अगर विपक्ष में बोल रहे हैं तो मुझे जवाब देने के लिए ज्यादा समय दीजिए। मैं सभी की बातों का कर रही हूँ, क्योंकि विकास कोई एक तरफा नहीं होता, चौतरफा विकास होता है। आपको समय ही दे रहे हैं, इसीलिए आप अपनी बात को रखिए। देखिए विकास को लेकर जिस तरीके की चर्चा चल रही है, लगता है एक तरफा विकास की। मानती हूं मैं कि महामारी का समय है, वैश्विक महामारी के समय पूरा विश्व त्राही त्राही कर रहा है। अगर लाशों की बात करें और संक्रमण की बात करें तो केवल उत्तर प्रदेश का अगर ये उदाहरण देते हैं तो जो दिल्ली के हैं उन्हें दिल्ली देखने की जरूरत है, जो महाराष्ट्र के वो महाराष्ट्र के, जो इटली के हैं इटली को देखने की जरूरत है, जो अमेरिका और ब्रिटेन के उनको वहां देखने की जरूरत है। इतनी बड़ी जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण बढ़ा और उसको जिस तरीके से माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कंट्रोल में किया, WHO क्या सभी जगह से इसकी तारीफ आ रही है और जनता भी इस बात को समझती है। और अगर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कहा जाए तो स्वास्थ्य सेवाएं जिला अस्पतालों में जिस तरीके से वेंटिलेटर की सुविधा बढ़ाई गई है, जिस तरीके से तीसरी लहर को देखकर बच्चों के लिए ICU तैयार किया जा रहा है, हर जिला अस्पताल में 50 बेड तैयार किया जा रहा है और जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें 100-100 बेड तैयार कर रहे हैं, जिसमें कि ऑक्सीजन की सुविधा, वेंटिलेटर की सुविधा, तमाम सुविधाओं को देखा जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री जी सबका निरीक्षण कर रहे हैं, वाराणसी में प्रधानमंत्री जी भी आए और BHU के MCH जो 100 बेड बनाए जा रहे हैं उसका भी समीक्षा, आपको मौका देंगे उसकी भी समीक्षा उन्होंने किया। अब ये बार बार कहते हैं कि सरकार को यही करना था, कोरोना के समय में आर्थिक पैकेज के साथ साथ खाद्यान्न का मुफ्त वितरण भी सरकार ने किया, कई जगहों पे दवाइयों का किट दिया गया, सबसे ज्यादा टेस्टिंग की गई उत्तर प्रदेश में। और अगर प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम को लेकर देखा जाए तो वहां जिस तरीके से प्रोटोकॉल निभाया गया कोरोना का, मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को आपत्ति होनी चाहिए। उसने एक सीख भी दिया है कि किस तरीके से अगर आप कार्यक्रम करते हैं तो आपको प्रोटोकॉल को निभाना पड़ेगा, मास्क पहनना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी पड़ेगी। तो चौतरफा विकास के साथ आज उत्तर प्रदेश बड़ी जनसंख्या के साथ जिस तरीके से सतत विकास के पथ पर है, निश्चित तौर पे कमियां भी हैं और वो कमियां लगातार रहेंगी, क्योंकि विकास भी सतत होता उन कमियों को खत्म करने का, और जो विकास कार्य है उसकी तारीफ नहीं कर सकते। और खासकर आम आदमी पार्टी को कहूं, अगर 106 दिन में है तो ये उत्तर प्रदेश के एक क्षेत्र में उंगली नहीं उठा सकते। जिसने जो है आम आदमी पार्टी ने जिसने खरीदा कोरोना काल में, उसी से यूपी सरकार ने खरीदा, वहाँ 10 रुपए की चीज खरीदी गई, यहाँ 100 रुपए की चीज खरीदी गई। ये कागजों के साथ माननीय सांसद संजय सिंह जी दिखा चुके, अब तो कुछ शर्म करिए, अब तो कुछ शर्म करिए। कितनी दलाली खाएंगे भाई, बच्चों का वेंटिलेटर तक में आप लोगों ने दलाली खा ली। माननीय सांसद संजय सिंह जी ने सारी चीजें प्रूव करी है, लेकिन प्रचार तंत्र उनका है, हजारों करोड़ से चल रहा बीजेपी आईटी से, जिसका काम झूठ फैलाना है, जिसको आप WHO बता रही है, उसका 2 कमरे का ऑफिस अलीगंज में है, जिसमें अभी भाई ने बताया कि 12 लाख या 13 लाख रुपए किराया बाकी है, टाइम्स मैगजीन में पैसा देकर प्रचार छपवाया जाता है। प्रचार तंत्र बंद करिए, जनता को समझ में आ रहा है। उनका बौखलाना आपने अपना
पक्ष रख लिया। अब मैं संजय श्रीवास्तव की ओर बढ़ना चाहूंगी, आपसे मैं सीधे तौर पर पूछना चाहूंगी, मैं आकाश जी आपसे बात करूंगी, पहले संजय श्रीवास्तव से पूछना चाहूंगी, जिस तरीके से आज विकास के मुद्दों पर बात हुई, कानून व्यवस्था पर बात हुई, उन सबको दरकिनार करते हुए अब हम सीधे तौर पर कह सकते हैं कि 2022 के चुनाव का बिगुल आज पीएम मोदी ने फूंक दिया है, स्टेज से उन्होंने कह सकते हैं मैनिफेस्टो भी जारी कर दिया है, अब आगे की रणनीति क्या रह सकती है? बिल्कुल आपने सही कहा अनुष्का कि सीएम ने जिस तरह से आज काशी से जो संखनाद किया है वो चुनावी संखनाद ही माना जाएगा। अब देखना ये, देखिए विपक्ष हमेशा से जब यही सत्ता पक्ष विपक्ष में रहता तो ये भी इसी तरीके की लामबंदी और आबंदी उठाता है, तमाम सारे कुछ काम ऐसे भी हैं कोरोना काल में, तो शबनम जी कहती उससे भी मैं इत्तफाक रखता हूँ कि बहुत सारे ऐसे काम हुए, गरीब लोगों को अगर आर्थिक मदद दी गई, उनको राशन पहुंचाया गया, तो निश्चित तौर पर ये निस्संदेह अच्छा काम था, उसकी तारीफ होती है और की भी जानी चाहिए। लेकिन जिन विकास के मुद्दों पे आपको जनता के बीच में जाना है, जिस जनता ने आपको 5 साल के लिए चुनकर भेजा, उसकी अपेक्षाएं ही थी कि आप उनके लिए अच्छे काम करेंगे, उनके लिए पानी बिजली सड़क सुरक्षा और स्वास्थ्य मुहैया कराएंगे, तो इसलिए तो नहीं भेजा कि आप उसमें कोई खामी रखेंगे, इसके लिए तो आपको चुना ही गया था। लेकिन अगर उसमें खामियां हैं, उसमें अच्छा और बेहतर करने की बात होती है, अपेक्षाएं होती हैं, तो उस पर आपको खरा उतरना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए, उस पर जनता को भरोसा देना चाहिए और जनता का विश्वास जीतना चाहिए। आपको विपक्ष का विश्वास जीतने की जरूरत नहीं है, या विपक्ष किस तरीके से आपकी लामबंदी कर रहा है, मोर्चेबंदी कर रहा है, या आपके ऊपर हमलावर हो रहा है, उससे आपको डरने की जरूरत नहीं है जब आपने काम किया, साथवास किया, लेकिन उन कामों को लेके आपको जाना जनता के बीच में ही है। आप जिस चुनाव में पहले गई थी, आपको जनता ने जो प्रधान या पंचायत के सदस्यों का या डीडीसी के चुनाव हुए, तो उसमें जनता ने आपको बहुमत नहीं दिया, लेकिन आपने जिस तरीके से चुनाव को जीता, संजय श्रीवास्तव मैं आपको बीच में रोकना चाहती हूँ, मेरे पास समय की कमी है। आकाश मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपका पहली बार चुनाव है, आप उत्तर प्रदेश में पहली बार उतर रहे हैं, ऐसे में पीएम मोदी की तरफ से बीजेपी के पक्ष में शंखनाद हो चुका है, अब आगे की रणनीति आपकी क्या रहने वाली है? देखिए, हमारी रणनीति हमेशा आम आदमी की रणनीति रहती है, जो आम आदमी की जरूरत है आज, चाहे वो बिजली का बिल हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो स्कूल के बच्चों की रणनीति आप मुझे बोलने दीजिए, नहीं तो फिर आप नहीं बोल पाए। दूसरी बात ईमानदारी से और जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, अभी एक और घोटाला सामने आने वाला है, जिसको कहेंगे होल्डिंग घोटाला, जो लखनऊ से लेकर पूरे दिल्ली बैंगलोर तक लगाया गया कि योगी जी ने 4 लाख नौकरी दे दिया। अब हिंदुस्तान बना दीजिए, वेब पे डाल दीजिए, लेकिन कोई खाता नहीं है, और कल जो बच्चे विचार प्रदर्शन कर रहे थे नौकरी के लिए, उनको अब आप दूसरों का पक्ष भी सुनिए। जी आकाश बोलिए। और सुन लीजिए, जिस समय गुजरात में 180 करोड़ रुपए का वहां के मुख्यमंत्री ने अपने लिए हवाई जहाज खरीदा था, हमारे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने 120 करोड़ रुपए से महिलाओं की बस यात्रा फ्री करी थी। अब निर्णय जनता को लेना होगा कि वो हेलीकॉप्टर मुख्यमंत्री का 180 करोड़ का सही था या 120 करोड़ महिलाओं को जो मुफ्त बस यात्रा मिल गई थी। लेकिन अभी इंतजार करिए, ये जो होल्डिंग घोटाला है ये बहुत जल्दी होने वाला है। इसका कब टेंडर हुआ, किसने पास किया? आप 180 करोड़ की बात कर रही कन्वेंशन सेंटर की, अरे मुझे तो लगता है यहां 2-3 हजार करोड़ रुपए की तो होल्डिंग सिर्फ लग गई होगी अगर हम पूरे इंडिया की बात करें। लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है, क्योंकि ये प्रचार तंत्र है। और सुन लीजिए, WHO ने तारीफ करी, झूठ। टाइम्स मैगजीन ने तारीफ करी, झूठ। ये झूठ कौन फैलाता है? ये झूठ फैलाता है अमित मालवीय के नेतृत्व में, जो बीजेपी आईटी सेल को हेड करता है और झूठ फैलाने का पूरा ठेका ले रखा है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, मोदी जी भाषणहीन है, जिस दिन शासनहीन हो जाएंगे शायद देश की व्यवस्था सुधर जाएगी। जनता के दुख दर्द की बात कर लीजिए, मूर्ति और ये कन्वेंशन सेंटर बहुत होगा, केंद्र के कर्मचारियों का हो चुका है। आप अपना पक्ष हो जाए, आप अपना पक्ष रखिए। सुनिए, मेरे पास समय की कमी है। ये आपको बीजेपी आईटी सेल ने बताया होगा कि हो गया है। आप मेरे पास समय की कमी है, शबनम जी शांत हो जाइए, मैं सीधा सो चुका है। अरे माननीय प्रधानमंत्री के जरिए दिलीप यशवर्धन, मेरा सवाल आपसे, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, शबनम जी आप अपना पक्ष रख चुकी है, दिलीप यशवर्धन मेरा सवाल शांत हो चुका है, शबनम जी शांत हो जाइए, झूठ मत बोलिए, शांत हो जाइए, आकाश जी शांत हो जाइए। देखिए दिलीप यशवर्धन जी, आज शंखनाद हो चुका है, चाहे कहें कि सीएम अपने चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ सकते इसलिए वो पीएम का सहारा ले रहे हैं, लेकिन आज बीजेपी ने साफ तौर पर चुनाव का शंखनाद कर दिया है,
2022 की रणनीति उन्होंने तय कर ली है, विकास के मुद्दों को भी जनता के सामने रख दिया है। तो राजनीतिक दृष्टि से आप इसे किस तरीके से देख रहे हैं, विपक्ष के पास से क्या कुछ रणनीति रहने वाली आगे की? देखिए, चुनावी बिगुल फेंक दिया है, फूंकना भी चाहिए, ये उनका धर्म है। मैंने पहले भी कहा था कि राजनीतिक धर्म है कि वो अपने बातों को लेकर के, अपने विकास की बातों को लेकर के, अपने मैनिफेस्टो में दिए गए काम को पूरा करने की चीज़ों को लेकर के जनता के सामने आए। और विपक्ष का ये काम है कि वो अपनी बातों को गिनाए और सरकार की कमियों को उजागर करे। इन दोनों का असेसमेंट जनता को करना होगा। जनता अगर भावनाओं में नहीं जाएगी, जनता अगर धार्मिक भावनाओं से बह के नहीं सोचेगी, जनता अगर वाकई में विकास पे सोचेगी, तो जनता किसी को वोट नहीं करेगी। प्रेशर कुकर बम किसी को वोट नहीं करेगी, सच पहुंचाने का काम किसी को वोट नहीं करेगी। और सबनम जी, कढ़ाई वाला बम लेकर चले आएंगे। सबनम जी, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयियों को डीए नहीं मिला है, ये आप गलत कह रही हैं। इस तरह की जो चीजें फैक्ट ही होती है उसको झूठ मत बोलिए यहाँ बैठ करके, ये गलत बात है। ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है आपका, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, नहीं है। आप देख लीजिए, जान लीजिए, कढ़ाई बम ढूंढिए और अमित मालविया को दे दीजिए, कहिए झूठ बना दो इसका बढ़िया सा और फैला दीजिए पूरे हिंदुस्तान में, कढ़ाई बम नया इन्वेंशन। जानकारी ले लीजिए, मैं सही जानकारी दे जी। तो माफ कीजिए, मुझे आप सभी को रोकना पड़ेगा, मेरे पास समय की कमी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ आज संजय श्रीवास्तव, दिलीप यशवर्धन, विवेक पांडे, शबनम पांडे और आकाश मिश्रा जुड़े हुए थे, जिन्होंने अपना अपना पक्ष रखा है। साफ तौर पर 2022 के चुनाव की रणनीति को तय कर लिया गया है। पीएम मोदी ने आज बहुचर्चित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया ही, साथ ही कहीं ना कहीं आगामी चुनाव के मैनिफेस्टो का भी उन्होंने उद्घाटन कर दिया है। ऐसे में अब बड़ा सवाल यही है कि क्या आगामी चुनाव में जिस तरीके से आज पीएम मोदी पहुंचे हैं, क्या उसका फायदा 2022 में सीएम योगी और उनकी बीजेपी सरकार को साफ तौर पर मिलने वाला है, और ये आगे वाले टाइम में देखना बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। फिलहाल हमारी इस विशेष चर्चा में इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।